हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15th अगस्त स्पेशल, यानी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा जमजम, चावल का जमजम भी इसे कहते हैं, मीठा दर्दा भी कहते हैं या मीठा पुलाव भी कहते हैं, और वो भी ट्राई कलर में, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मीठा दर्दा रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो मैंने छोटे बासमती राइस की बनाई थी, आज मैं लॉन्ग बासमती की बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कप चावल भिगो के रखा है और यहाँ पे भगोने में मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें मैंने ऐड किया है बे लीफ और ऐड किया है मैंने ग्रीन कार्डमम। यहाँ पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और मैंने इसमें सारे राइस ऐड कर दिए और अब इसे मैंने ढक दिया है। तो इसे हमने अच्छी तरीके से पका लेना है और ड्रेन करना है। चावल को आपको ओवर कुक नहीं करना है, इतना ही पकाना है जितना आप डेली चावल को बनाते हो जैसा, क्योंकि चाशनी में हमारे चावल बिल्कुल भी नहीं पकता है। तो यहाँ पे मैंने कलर ऐड नहीं किया है जर्दा का, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई कलर में बना रही हूँ। तो अगर आप एक कलर में जर्दा बना रहे हो तो इसी टाइम पे पानी बॉइल करते हुए वक्त ही आपने कलर ऐड कर देना है। और आप चाहो तो इसमें आप लेमन जेस्ट या फिर ऑरेंज का जेस्ट ऐड कर सकते हो। अब एक पैन में मैंने प्योर घी ऐड कर दी 2-3 स्पून और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस। यहाँ पे हमने एक लेयर राइस की रखनी है और दूसरी लेयर जो हम डालेंगे वो शुगर की होगी, और इस तरह से मैं इसकी 2-3 लेयर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने राइस लिया था 250 ग्राम, तो मैं यहाँ पे शुगर ले रही हूँ 200 ग्राम। आप चाहो तो बराबर भी ले सकते हो, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं, मैंने थोड़ा कम रखा है। तो ये मैंने पूरा राइस स्प्रेड कर दिया है इस पर, और अब मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ शुगर। तो जो 200 ग्राम शुगर थे उसको मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, हाफ हाफ कप। अब इसके ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी दूसरी लेयर राइस की एंड देन इसके ऊपर फिर अगेन शुगर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो ऐड कर रही हूँ, लेमन जेस्ट था मेरे पास तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पे इसकी दूसरी लेयर तैयार कर रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर से राइस। और राइस जो मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटी सी प्लेट से ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी राइस टूटे नहीं। और फिर इसके ऊपर से ऐड कर दे रही हूँ शुगर। इस तरह से हमारी जितनी भी लेयर बन रही है, 2-3 लेयर हम बना लेंगे। और ये मैं इसे सेट कर दे रही हूँ प्लेट से, और इसके ऊपर मैंने डाल दी है थोड़ी सी घी और ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रख दिए थे पहले। इसमें मैंने थोड़े से बादाम ऐड किए हैं, थोड़ा मैंने ऐड किया है गरी नारियल सूखी हुई, आप चाहें तो और जितने भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो इस पर। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मावा, और जिसे हम खोया भी कहते हैं। इसके ऊपर से मैंने सारा स्प्रेड कर दिया। अब मैं इसे ढक दूंगी, ढक करके मैं इसे रखूँगी 1 मिनट के लिए। मैं इसे फुल फ्लेम पर रखूँगी और इसके बाद मैं इसे सिम पे कर दूँगी। और इसे बीच तो इसे अब 3-4 मिनट हो गए हैं और मैं अभी इसे चेक करूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी थोड़ा हल्का सा पानी है तो हमें ये नहीं चाहिए, इसे हमें ड्राई करना है। तो मैं इसे कवर करके फिर से धीमी आंच पे रख दूंगी। तो अब मैं 3-4 मिनट और हो चुके हैं, अब मैं इसे देख रही हूँ। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। और इसे जब भी आप चलाएँ तो एक सॉफ्ट सा स्पैचुला ही लें, नहीं तो आपका जो चावल है वो टूट जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करके रख लिया है पानी में। और ये हमारे पास रबड़ी है, इसे भी मैंने 2 कलर में मिक्स करके अलग रख लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश के लिए एंड चेरीज है। तो अब जब राइस अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है तो मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। ये ट्राई कलर रेसिपीज है, तो मैं इसमें साइड से दोनों कलर डाल रही हूँ, ग्रीन डाल दिया मैंने, ऑरेंज डाल दिया, और वाइट पार्ट हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और इसे ढक कर 1-2 मिनट बस स्टीम पर रखना है और बंद कर देना है गैस। और हमारा तैयार हो गया ट्राई कलर रेसिपी। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी रबड़ी, व्हाइट कलर की रबड़ी और ग्रीन कलर की रबड़ी ऑरेंज जो हमने बना के रखी थी। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस सा मीठा जरदार ट्राई कलर में, या फिर चावल का जमजम रेडी है। तो आप इसे खाएं, खिलाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें विथ ऑल ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस।